सब मस्त है, पूरा टंच व्यवस्था है। कि केरे देला को आजू बाजू, केरे देला को कांगना, केरे देला को सोनावा के हार, केरे देला को मोंगिया में से नूरावा, रूपा वाला गो हो जाना। बिहारा दिया रे मोरा, जान के नहीं लगी हो, जान मोरा बड़ी सुखावा। लेकिन घर पे जाते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है मैडम के साथ? कुछ नहीं, देखिए ये मेरा काम है। नाचे अली जा मुझे लागे सिला तो छोड़ा मगहिया से मिला करे, तो निसा जींस ढीला करे या सटे जावे पर रस लीला करे। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आप सभी को फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरूफ फैक्ट्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे साथ में आशीष यादव जी बैठे हुए हैं और हमारे बगल में आशीष फिल्म्स का ऑनर गुलशन सिंह बैठे हुए हैं। तो इन दोनों से बहुत सारे सवाल जवाब करूँगा। और हाँ, मैं बता दूँगा कुछ अपडेट हमारा इससे पहले नहीं आ पा रहा, कुछ हमारे यूट्यूब पर प्रॉब्लम आ गया था। तो जैसे भाई का प्यार इससे पहले दे रहे थे वैसे ही देते रहें, और आप लोग के लिए हर एक इंडस्ट्री भोजपुरी मगही बॉलीवुड से रिलेटेड मैं लाते रहता हूँ, तो अब भी कंटिन्यू आता ही रहेगा। तो सबसे पहले आशीष भी, आपको हमारे चैनल आरूफ फैक्ट्स में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हमें जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको देव पैर छू के प्रणाम। और मुझे बताइए कि आप पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पटना में 2-3 दिन शूटिंग कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर शूटिंग करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया शूट भी हो रहा है मेरा। और ये बताइए कि यहाँ पे शूटिंग करके तो अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन सिंगरों के लिए यहाँ पे हर एक जो होता है गार्डन में जो सुविधाएं जो की जाती है, हर चीज़ रहने का, खाने का, पीने का, शूट करने का, लोकेशन वगैरह का, वो यहाँ पे कैसा लगा? सब मस्त है, पूरा टंच व्यवस्था है। अच्छा, और ये बताइए कि आपका शादी का कुछ ही दिन गुजरा है, ठीक है, अरेंज मैरिज हुआ आपका, इंटरव्यू मैंने देखा था। ये बताइए कि इंटरव्यू में आप बताया कि अरेंज मैरिज मेरा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग लड़कियों के साथ में शूट करने का, मॉडल के साथ में शूट करने का आपको मौका मिलता है, आइटम सॉन्ग करते हैं, सैड सॉन्ग करते हैं और तरह तरह का गाना करते हैं, लेकिन घर पे जाते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है मैडम के साथ? कुछ नहीं, देखिए ये मेरा काम है जी, ठीक ना, ये जब तक हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम कलाकार रहे कहाँ। इस चीज़ से तो कोई होना नहीं चाहिए कि आप गलत ये वो, कुछ नहीं, वो उसको पता है सब चीज़। बहुत अच्छी बात है कि शायद बहुत लोग, कम लोग ऐसा है कि अपने घरवाली मिलती है जो अपने हस्बैंड को समझ पाते हैं। मुझे फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि इनके मतलब चाहने वाले जो थे और इतने सारे प्यार भी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आशीष फिल्म्स के मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुलशन सिंह बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बातें करूँ क्योंकि इनके चैनल से आशीष भैया का गाना बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ है। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इनका गाना आपके चैनल पर इतना ज़्यादा ट्रेंड करता है, पॉपुलर होता है, हिट करता है? बिल्कुल, ये पब्लिक का आशीर्वाद है और भाई का मेहनत है और भाई का सपोर्ट बहुत रहता है मेरे लिए हमेशा, और काफ़ी मेहनत रहा है और पब्लिक जैसा मेहनत भाई कर रहे हैं तो पब्लिक तो आशीर्वाद दे रही है और आगे चाहेंगे कि बस इसी तरह से प्यार आशीर्वाद बना रहे और एक से एक हिट गाना आते रहे कंपनी से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मगही इंडस्ट्री का बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे कि आशीष भैया का तो गाना आईडियो वीडियो होते रहता है, प्रोजेक्ट होते रहता है, आगे का क्या सोच है? था कि अगर कुछ बड़ी बजट का मूवी वगैरह करना हो, मगही इंडस्ट्री का करना हो, मगही इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना हो, तो मूवी वगैरह का क्या सोच है आगे? बिल्कुल, मूवी के लिए बात चल रहा है, ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग करेंगे, लगभग काम चल रहा है उस पर मूवी के लिए। और बात रही गाने का, तो अभी एक से एक बढ़ के मतलब गाना जो है वो तैयार है, ठीक ना, और आगे अभी देखिएगा, एक से एक धमाका होगा और अलग अलग तरह का इंडस्ट्री में हम लोग मतलब परोसने का काम करेंगे, ठीक है ना, अलग दिशा में लेके जाने का काम करेंगे, ठीक है। और बाकी बात रही फिल्म का, तो उसके लिए वो होगा और बहुत जल्दी मतलब न्यूज मिलेगा आप लोग को भी जी, ठीक है, उसके लिए बात। आशीष भैया मुझे बताइए कि इनके चैनल पर जो भी आपका गाना जो पॉपुलर हुआ है, हिट हुआ है, वो गाना दर्शक सुनना चाहते हैं, दो लाइन दर्शक के लिए हो जाए। कि केरे देला को आजू बाजू, केरे देला को कांगना, केरे देला को सोनावा के हार, केरे देला को मोंगिया में से नूरावा, रूपा वाला गो हो जाना मार। बहुत पारिवारिक, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। और इनका कहना है कि ये गाना जो है इसे पॉपुलर हुआ है, जो मैं एनी टाइम साफ सुथरा गाना अपने इंडस्ट्री में अपने भाषा को लेकर गाता हूँ और भाषा को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं मगही का। आशीष भैया बताइए कि मगही इंडस्ट्री का जो टॉप लेवल जो होता है, जो हिट होने का कोई चरम सीमा एक होता है ना, उस टॉप लेवल पर आप हैं, इतनी कम समय में
इतना कम समय इतना टॉप, मतलब इससे ज़्यादा कोई हिट हो ही नहीं सकता मैगी में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप इस जगह पे इस मुकाम को हासिल करके आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है कि पब्लिक कितना प्यार दे रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना कम समय में जनता का प्यार मिल रहा है तो ये कम बड़ी बात नहीं है। ये बताइए कि अगर जब दूसरे इंडस्ट्री से आपको कोई मूवी का ऑफर आए, कुछ ऐसा बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर आए, तो दूसरे लैंग्वेज से भोजपुरी हो गया या अदर दूसरे इंडस्ट्री का, तब करना चाहेंगे? जरूर जरूर। मगही छोड़ देंगे आप? ना छोड़ेंगे ना, मगही कभी ना छोड़ेंगे, फिर काम कर लेंगे, काम करेंगे। तो मुझे भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, बस ऐसे जैसे पहले आरूफ फैक्ट्स पे प्यार देते आ रहे थे। और बता दें कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मगही, भोजपुरी, बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट हमारा चैनल पे आते रहेगा, तो बस भाई का प्यार बनाए रखें और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें। भाई का चैनल है, भाई का गाने आते रहता है, भाई का इंटरव्यू आते रहता है, और हमारे ऑनर हो गए जॉसी फिल्म्स का ऑनर हो गए गुलशन सिंह का इंटरव्यू हमारे चैनल पर आता रहेगा, तो बस चैनल को शेयर कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, बवाल मचा देना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय भारत।